हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो वीडियो है वो क्वेश्चन 13 ही का कंटिन्यूएशन है। प्रीवियस वीडियो में हमने जनरल एंट्रीज पास की थी अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। टुडे वी आर गोइंग टू पास जनरल एंट्रीज अंडर फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड। जब हम फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड फॉलो करेंगे तो माइन्यूट चेंजेस होंगे जनरल एंट्री में, मगर होंगे। तो क्या जनरल एंट्रीज हम लोग बनाएंगे, लेट्स सी। पहली एंट्री विल बी द सेम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दिस इज ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट, बीइंग नेट प्रॉफिट ट्रांसफर। नेक्स्ट जनरल एंट्री, लास्ट प्रीवियस वीडियो में अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड हमने किया था जनरल एंट्री बी सैलरीज टू बी कैपिटल अकाउंट। मगर इफ यू आर फॉलोइंग फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड तो देन द जनरल एंट्री विल बी बी सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू बी करंट अकाउंट। जब हम फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड फॉलो करेंगे स्टूडेंट्स तो बी सैलरी टू बी करंट अकाउंट, ध्यान दीजिएगा हमेशा। बी सैलरी हम अलाउ कर रहे हैं, डेबिट में जाएगी, बी को मिल रहा है और बी करंट अकाउंट विल गो ऑन द क्रेडिट साइड। क्योंकि फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में जितने भी फ्लक्चुएशंस होते हैं, जिन भी एप्रोप्रिएशंस की वजह से फ्लक्चुएशंस होते हैं, वी शो देम इन अनदर अकाउंट दैट इज नोन एज करंट अकाउंट। हम कैपिटल अकाउंट में एडिशनल कैपिटल और ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल बस दो चीज ही दिखाते हैं, मगर सारी चीज, सारे अप्रोप्रिएशन जो कैपिटल को फ्लक्चुएट कर सकते हैं, वी शो ऑन द और इन द करंट अकाउंट। सो दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग करंट अकाउंट हियर, बीइंग सैलरी क्रेडिटेड 6000। नेक्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू बी सैलरी, ये सेम जनरल एंट्री होगी। पीएल अप्रोप्रिएशन में आप ट्रांसफर कर रहे हैं बी की सैलरी, बी की सैलरी पहले कहां गई थी, डेबिट में, आज ट्रांसफर होगी तो क्रेडिट में आ जाएगी। मैंने आपसे पहले भी बताया था, जब कभी आप ऐसी चीजें, ऐसे अप्रोप्रिएशन जो प्रॉफिट को कम करते हैं ट्रांसफर करेंगे पीएल अप्रोप्रिएशन में, हमेशा जनरल एंट्री में पीएल अप्रोप्रिएशन डेबिट में जाएगा। सी, पीएल अप्रोप्रिएशन इज गोइंग ऑन द डेबिट साइड। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू एज करंट टू बीज करंट। प्रीवियस वीडियो में वी हैव डन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, बट दिस टाइम वी आर मेंटेनिंग फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा स्टूडेंट्स, दैट्स व्हाई एज करंट एंड बीज करंट अकाउंट इज गोइंग ऑन द क्रेडिट साइड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म इज अलाउइंग डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। 4800, 3600 is A's interest and 1200 is B's interest. Next, profit and loss appropriation to interest on capital account. This entry will remain the same. Profit and loss appropriation debit में जा रहा है क्योंकि interest on capital appropriation transfer हो रहा है। Interest on capital पहले debit में गया था, आज जब transfer करेंगे तो opposite side आ जाएगा और credit में show होगा, याद रखिएगा students हमेशा। PL appropriation debit में जा रहा है because we are transferring appropriation. Being interest transferred 4800. Next, interest on drawing. C, A का capital कम हो रहा है, that's why A's current and B's current, B का भी capital कम होगा, कहां चला जाएगा, debit में चला जाएगा। Two interest on drawing, interest on drawing चार्ज की जाती है, credit all incomes and gains, that's why it is going on the credit side. 200 and the total is 300, being interest on drawings charged. नेक्स्ट, ट्रांसफर एंट्री ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्रेडिट में गया था, जब आप इसको क्लोजिंग या ट्रांसफर एंट्री पास करेंगे तो इट विल गो ऑन द डेबिट साइड। पीएल अप्रोप्रिएशन क्रेडिट में आ रहा है, ध्यान से देखिए, यहां पर देखिए बी की सैलरी की जब बात थी, बी की सैलरी की बात थी, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन डेबिट में गया था। क्यों? क्योंकि अप्रोप्रिएशन जो प्रॉफिट को कम हो रहा था वो ट्रांसफर हो रहा था। आज प्रॉफिट्स को बढ़ाने वाली कोई चीज ट्रांसफर हो रही है, दैट्स व्हाई पीएल अप्रोप्रिएशन इज गोइंग ऑन द क्रेडिट साइड। इंटरेस्ट इन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिटेड टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट 300। नेक्स्ट, पार्टनर की ड्रॉइंग हो रही है, एज ड्रॉइंग बीज ड्रॉइंग टू कैश अकाउंट, सेम एंट्री होगी 6000 4000, कैश क्रेडिट में जा रहा है स्टूडेंट्स क्योंकि पैसा जा रहा है। नेक्स्ट, इसका नरेशन देख लीजिए, बीइंग ड्रॉइंग्स मेड, एज करंट बीज करंट टू एज ड्रॉइंग टू बीज ड्रॉइंग, दिस इज ट्रांसफर एंट्री। करंट अकाउंट में ए की ड्रॉइंग और बी की ड्रॉइंग ट्रांसफर हो रही है, पीएल अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर नहीं होती, ड्रॉइंग्स को हम पीएल अप्रोप्रिएशन में शो नहीं करते हैं स्टूडेंट्स, दैट इज वाई ए करंट और बी करंट डेबिट में जा रहा है, क्योंकि ए के कैपिटल और बी का कैपिटल रिड्यूस होगा उनकी ड्रॉइंग्स की वजह से, दैट्स व्हाई इट इज शोइंग ऑपोजिट बैलेंस एंड गोइंग ऑन द डेबिट साइड। टू एज ड्रॉइंग टू बीज ड्रॉइंग 6000 और 4000, यहां पर आप 6000 और 4000 शो कर देंगे। बी ड्रॉइंग्स ट्रांसफर
नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू ए करंट टू बी करंट, ये डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर होने की एंट्री है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा। यहां पर आप ए कैपिटल और बी कैपिटल नहीं लिखेंगे, ए करंट और बी करंट लिखेंगे बिकॉज वी आर मेंटेनिंग फिक्स कैपिटल अकाउंट, और सारी चीजें ये सारे अप्रोप्रिएशन करंट अकाउंट में ट्रांसफर होंगे। दैट्स व्हाई ए का कैपिटल बढ़ रहा है, बी का कैपिटल बढ़ रहा है डिविजिबल प्रॉफिट की वजह से, बोथ ऑफ देम आर गोइंग ऑन द क्रेडिट साइड बीइंग डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर। So hope so these general entry which we maintain while doing or while following fixed capital account method आपको समझ में आई होगी। और एक चीज ध्यान से देखिएगा students, कई general entries आपको same लगेंगी मगर कई general entries यहाँ पर change है, current account में word use किया गया है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा समझिएगा एक दो बार अपने तरफ से भी, या try to do it on your own also, try not just only try but do it on your own। Thank you।